एवरीबॉडी और गेट सेट माँ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज रेड सब्सक्राइब लिंक को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और इस बात से चिंतित है कि आपको क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए? आपके परिवार वाले और अन्य दोस्त आपको इसके बारे में बहुत सारी सलाह देंगे जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकती है और जिससे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोचते होंगे कि क्या आप सही खाना खा रहे हैं, आपके खाने में जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सामग्री है, वो सही है कि नहीं। फिर वह आम गलतफहमी भी रहती है कि आप दो जन के लिए खाना खा रहे हैं, इसलिए आपको दुगना खाना खाना चाहिए और वास्तव में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी डाइट के बारे में और आपको बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्रेविंग्स जब होती है उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ कॉमन फूड मिथ्स को भी मिटाएंगे। हम आपको खाने के एक्चुअल एग्जांपल्स भी देंगे जो मैंने खाया और रोहिणी ने भी खाया। रोहिणी को तो आप जानते हैं, रोहिणी और मैं गेट सेट माँ के दो हिस्से हैं और हम दोनों इस चैनल को एक साथ चलाते हैं और इस चैनल के द्वारा हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं और प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, चाइल्ड रेयरिंग के बारे में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, आपको बताते हैं। तो प्रेगनेंसी डाइट क्या होती है? वास्तव में ये आपकी रेगुलर वेल बैलेंस्ड डाइट ही होती है, थोड़े बहुत एडिशंस के साथ, और ये एडिशंस इन दो कारणों के वजह से जरूरी है। पहला कारण कि जो आपके शरीर में, आपके पेट में ग्रोइंग फीटस है, ग्रोइंग बेबी है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और दूसरा कारण कि बेबी का ध्यान रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल भी रखें, अपने बॉडी का ख्याल भी रखें जो विभिन्न प्रकार के चेंजेस से गुजर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात, आपकी प्रेगनेंसी डाइट में कैल्शियम होना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे के हड्डियों और दांतों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगर आपके डाइट में कैल्शियम की कमी है तो आपकी बॉडी इसको आपके हड्डियों और दांतों से ले जाकर आपके फीटस को देना शुरू कर देती है, जिससे आप कमज़ोर हो जाते हैं और विभिन्न बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी डाइट में प्रोटीन की आवश्यकता भी रहती है क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है और फीटस के डिवेलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बेबी के ब्रेन और ब्लड के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि शरीर लगातार बेबी तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, तो इसके लिए आपको अपने बॉडी में अच्छे आयरन लेवल्स मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहना चाहिए, आपके सब फ्लूइड्स भी सही मात्रा में रहने चाहिए और आपको सब न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह मिलने चाहिए कि आप भी अपने बेबी को ठीक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपके पेट में बढ़ते हुए बेबी के कारण आपके ऑर्गन्स के लिए जगह कम हो जाती है तो वो भी क्रैम्प हो जाते हैं और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे अक्सर कॉन्स्टिपेशन, गैस हो जाती है। यही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी और उल्टी होना भी आम है, तो आपको ऐसा भोजन खाने की ज़रूरत है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और एसिडिटी कम करता है। इसलिए आपको फाइब्रस फूड खाना चाहिए और ऐसा खाना ही खाएं जो आपके गट के लिए अच्छा है। ये सबसे ओवरवेल्म ना होइए, आपको बस एक वेल बैलेंस्ड मील खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको पौष्टिक भोजन खाने की सलाह देंगे जिसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। भोजन के साथ साथ भारत में कई डॉक्टर आपको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और कुछ मामलों में मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपको रेगुलरली लेने चाहिए। वास्तव में कई मॉम्स को ये बेबी के प्लानिंग स्टेज, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच ही रहे हैं, ये तब भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, खास करके फॉलिक एसिड। तो अब हम प्रेगनेंसी के स्टेज बाय स्टेज, मतलब ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर चलेंगे और हर एक स्टेज में आपको क्या खाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आपके डाइट में ज़्यादा एडिशंस की ज़रूरत नहीं है, मगर ये तभी अप्लाई होता है अगर आपकी पहली डाइट भी ऑलरेडी होलसम और न्यूट्रिशियस है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ बात करिए। इस स्टेज में आपका बेबी बहुत छोटा होता है और उनको अभी एडिशनल पोशन की, एडिशनल न्यूट्रिशन की इतनी आवश्यकता नहीं है।
आप बस एक स्वस्थ और बैलेंस डाइट खाना जारी रखिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर स्वस्थ डाइट भी जारी रखिए। ये रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी कर सकते हैं? इसके लिए आप साग खाएं, कुछ दही या दूध लें, अपने फल और अच्छी सब्जी खाएं। इसका ध्यान जरूर रखिए कि सब कुछ अच्छी तरह धोया गया है और साफ है। पहले ट्राइमेस्टर में बहुत सारी मॉम्स को नौजिया होता है और उनको उल्टी भी आती रहती है। कुछ मॉम्स के लिए ये एक्सपीरियंस उनकी पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू चलता है, तो उनको ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कुछ भी खाना पेट में सेटल नहीं होता और उल्टी के थ्रू बाहर आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो खाना आप पहले बिना कोई प्रॉब्लम से खा रहे थे वो भी आपको इरिटेट कर सकता है, उससे भी आपको और उल्टी आ सकती है। जैसे कि मैं प्रेगनेंसी के पहले एक मिक्स्ड वेजिटेबल जूस पीती थी, मगर मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं उस जूस का एक भी सिप लेती थी तो मुझे उल्टी आ जाती थी। मैं उस जूस के ग्लास को देखना भी नहीं चाहती थी। यदि आपकी उल्टी गंभीर है, बहुत सीरियस है, तो पहले ट्राइमेस्टर में आपका वजन भी कम हो सकता है और ये आम बात है। 3 से 4 महीने के बाद जब ये नौजिया कम हो जाता है तो आमतौर पर मॉम्स का लूज किया हुआ वेट वापस आ जाता है। अगर आपकी वॉमिटिंग बंद नहीं होती तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करिए और वो आपको ऐसी डाइट दे सकते हैं जो आपको सूट करे और वॉमिटिंग को और ना बढ़ाए। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपका बेबी ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है और उनकी डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो प्रोटीन के लिए आप ये सब खा सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट, तो हम बात कर रहे हैं बादाम, काजू, पिस्ता एक्सेट्रा के बारे में। आप बीज भी खा सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज, अलसी, सनफ्लावर सीड्स। फलियां भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि छोले, काले चने, ब्लैक आइड पीज, हरी मटर। अन्य दालें भी खा सकते हैं, जैसे हरी मूंग, पीली मूंग, तुअर, मसूर एक्सेट्रा। स्प्राउट्स भी बहुत न्यूट्रिशियस है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, छाछ, टोफू, सोय फूड्स, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज के साथ साथ आप लीन मीट्स, मछली और अंडे भी अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। अब रोहिणी का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। रोहिणी कभी कभी चिकन खाती थी लेकिन मेनली वेजिटेरियन थी, मगर 6 महीने लगातार उल्टी करने के कारण उसके डॉक्टर ने उसको लीन मीट्स खाने के लिए कहा, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए। आयरन के लिए आप क्या खा सकते हैं? आप आयरन के लिए अखरोट खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, खजूर, रागी भी अपने डाइट में शामिल करें। और कैल्शियम के लिए भी हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, रागी फिर से खाएं, दूध, दही, डेयरी, अलसी अच्छे सोर्सेज हैं। ये लिस्ट देख के आप डरिए मत, ये सब बहुत डूएबल है। आप कुछ स्वस्थ स्नैक या मील अपने डाइट में शामिल करके ये न्यूट्रिएंट्स पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जैसे कि बेसन का चीला, या कुछ स्प्राउट्स खा लिए स्नैक में, कभी ढोकला खा लिया, कभी पनीर सैंडविच खा लिया। याद से सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो डेली खाएं, इनसे आपको अच्छा फाइबर मिलता है और कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसे इश्यूज भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर मात्रा में पानी भी पीजिए, और पानी के साथ साथ आप और फ्लूइड्स भी पी सकते हैं। अच्छा फ्लूइड इंटेक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्याप्त ब्लड सप्लाई का ध्यान रखता है और आपके बेबी के आसपास के एमनियोटिक फ्लूइड को भी उचित मात्रा पे मेंटेन करता है। एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। यदि आपको इतना सारा पानी पीने से उल्टी होती है और एक पूरा ग्लास भी नहीं पिया जाता, तो नियमित रूप से एक टाइम पर पानी छोटी मात्रा में पिए, पूरे दिन में छोटी छोटी घूंट लेते रहें। थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने कोई न्यू फूड्स के बारे में बात नहीं करी। काफ़ी कुछ जो हमने चीज़ें बताई हैं ये ऑलरेडी एक रेगुलर इंडियन डाइट में आप खा रहे हैं और ये खाई जा सकती है। अब हम पहुंचते हैं प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में। इस ट्राइमेस्टर में बच्चा अब तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप एक तो अपनी 2nd ट्राइमेस्टर की डाइट को कंटिन्यू रखिए और स्वस्थ और सीजनल खाना ही खाइए।
इस लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी मॉम्स को एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स भी होने लगता है, तो इसको ध्यान में रखिए और अपने खाना खाने के समय और सोने या थोड़ा सा लेटने के समय, रेस्ट करने के समय के बीच में अच्छा गैप रखिए, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स और भी बढ़ता है अगर आप फ्लैट अपने बैक पर लेट जाते हैं। इस समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनकी प्रिस्क्राइब की हुई एंटासिड ही लीजिए। अब आपको किस तरह के भोजन से सावधान रहना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हैं? जब भी आप फल या कच्ची सब्जी खा रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि वो साफ है और अच्छी तरह धोई हुई है। घर के बाहर तो कच्ची सब्जी ना ही खाएं। दूसरी बात, रॉ शेलफिश बिल्कुल ना खाएं, बस पकी हुई शेलफिश ही खाएं। तो फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेश गरम प्रॉन करी आप बेफिक्र खा सकते हैं। तीसरी बात, हमारा जो इंडियन वेदर है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो बहुत हॉट और ह्यूमिड रहता है, तो ऐसे फूड्स को अवॉइड करिए जिनकी शेल्फ लाइफ कम है या वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि रॉ मीट्स, कोल्ड कट्स, सॉफ्ट चीजेस, रॉ एग्स एक्सेट्रा। चौथी बात, आप पपीता और पाइनएप्पल खा सकते हैं, लेकिन अनराइप पपीता ना खाएं, इसके बारे में अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पर कैफीन के इफेक्ट के बारे में बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। टू बी सेफ, आप एक दिन में एक कप चाय या कॉफी ही पीजिए और अपने डॉक्टर से बात करके उनकी राय इसके बारे में जरूर लीजिए। लास्टली, क्या आपको तला हुआ खाना और घी खाना चाहिए? घी हाँ, आप खा सकते हैं, मगर जैसे आप रेगुलरली खाते आए हैं, अपने खाने में खा सकते हैं, जैसे कि आप अपने दाल में डाल सकते हैं, थोड़ा चावल में, रोटी पे लगा सकते हैं, कभी कभी लड्डू में खा सकते हैं। तला हुआ खाना आप भी खा सकते हैं, मगर उसको रूटीन ना बनाइए, कभी कभी ही खाइए। इन सब के साथ साथ प्रेगनेंसी डाइट का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखिए। अपने कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट के बीच में आपको एक प्रॉपर गैप रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाश्ते के बाद अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लेती थी और लंच के बाद अपना आयरन सप्लीमेंट लेती थी। क्यों? क्योंकि मेरे मामले में मुझे थायरॉक्सिन की दवाई भी लेनी होती थी, जो मैं सुबह सुबह कुछ भी खाने के पहले लेती थी, और थायरॉक्सिन और इन दोनों सप्लीमेंट्स के बीच में भी एक प्रॉपर गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। एक ग्लास ऑरेंज जूस के साथ साथ आप अपना आयरन सप्लीमेंट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विटामिन सी के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। थर्डली, कोशिश करें कि घर में बना हुआ खाना ही खाएं, क्योंकि वो ही सबसे सेफ और हेल्दी रहता है। फोर्थली, अपनी डाइट में अच्छा फाइबर शामिल करिए, जिससे आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अपनी डाइट में अन्य फ्लूइड्स इंक्लूड करिए, पानी भी पीते रहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। आपको चीट डेज अलाउड हैं, तो अगर आपको केक पसंद है तो कभी थोड़ा केक खा सकते हैं, लड्डू या चॉकलेट खा सकते हैं, मगर ओवरडू ना करिए। हम सबका प्रेगनेंसी में भार बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ पुराने ख्यालात के मुताबिक माना जाता है कि अगर आप बहुत अधिक वजन हासिल करते हैं तो ही आपका बेबी स्वस्थ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेकमेंडेड वेट गेन करने पर भी बेबी हेल्दी होता है और स्वस्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहिणी ने 8 किलोग्राम वेट गेन किया था और उसकी बेटी अनुपमा जब पैदा हुई तो उसका वेट 3 किलोग्राम था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 11 किलोग्राम वेट गेन किया था और जब मेरी बेबी इल्हम पैदा हुई थी उसका वेट 2.7 किलोग्राम था। तो अगर आप एक एवरेज वेट और एवरेज बिल्ड की महिला हैं, आपको ये सलाह ही दी जाएगी कि आपका वजन हफ्ते में 300 से 400 ग्राम ही बढ़ना चाहिए, या पूरी प्रेगनेंसी में आपका भार 8 से 15 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इसके साथ हम इस प्रेगनेंसी डाइट के एपिसोड के एंड में आते हैं। अच्छी प्रेगनेंसी डाइट फॉलो करने के साथ साथ आप बस खुश रहें और नए बच्चे की तैयारी का आनंद लें, जो जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा और इसे और भी खुशियों के साथ भर देगा। हमेशा की तरह प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिए अगर आपको ये पसंद आया, इसे आगे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।